तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से अपने फेसबुक का जो कवर का फोटो है या फिर कह लो आप कोई भी फोटो पोस्ट करते हैं, ठीक है, उसे किस तरीके से 3D में कर सकते हैं, ठीक है। और जो है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यूब में या फिर अलग अलग शेप में जो 3D होता है, ठीक है, जैसे कि हम अपना फ़ोन मूव करेंगे उस तरीके से जो है वो फ़ोटो भी मूव होगा, ठीक है। तो उस तरीके का जो है किस तरीके से अपने फेसबुक के कवर पेज पे लगा पाएंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। तो इस तरीके से कैसे आप लगा पाएंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हम किस तरीके से फेसबुक के कवर का 3D वाला फोटो लगा पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाइए, आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी नया वीडियो लाऊंगा इसी तरीके का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ठीक है। तो हमें जो है अपने इमेज को जो है 3D किस तरीके से करना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपना जो है क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर एक न्यू विंडो ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल सा टाइप करना है इमेज टू 3D कन्वर्ट ऑनलाइन, ठीक है, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट इमेज टू 3D, ठीक है, 360 डिग्री ऑनलाइन, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है। आपको लिखने के बाद इससे फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पर OXY वाला वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको सिंपल सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा डिज़ाइन दिया हुआ है, आपको जो भी पसंद है, ठीक है, आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 360 डिग्री रोटेट होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सिंबल भी इसका बना हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से 360 वाला यहाँ पर दिया हुआ है रोटेट, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मुझे 3 इमेज जो है यहाँ पर अपना अपलोड करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना इमेज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें जो है ये लेके आ जाएगा गैलरी पे। तो यहाँ से जो है मुझे सिलेक्ट करना है अपना पिक्चर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है अपना पिक्चर्स को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जो है यहाँ पर इसे क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपना पहला हो गया, तो सेकेंड वाला भी उसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला भी मैं पिक कर लेता हूँ और जो है थर्ड वन भी पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको, सेकंड कंप्लीट हो चुका है, थर्ड वाला उसी प्रकार से ब्राउज पे जाएंगे, फिर जो है इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे क्रॉप कर देंगे, ठीक है। क्रॉप करने के बाद ये अपना सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर अपना हो चुका है। उसके बाद हमें जो है सिंपली ओके करना है, ठीक है। यहाँ पर जो ओके का बटन दिया हुआ है आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं अभी क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अगर प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग चलेगा, आपको वेट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी इसे सेव कर देता हूँ, क्योंकि हमें जो है इसे फेसबुक पे अपलोड करके भी आपको दिखाना है। देख सकते हैं यहाँ पर 3D सेव बन चुका है। तो मैं इसे जो है सेव कर देता हूँ। सेव करते टाइम दोस्त अगर इस तरीके का ऐड आता है तो आपको सिंपल से एक बैक कर लेना है, फिर से जो है सेव पे क्लिक कर देना है। ये जो है दोस्तों यहाँ पर JPG एक्सटेंशन पे यहाँ पर डाउनलोड होगा, देख सकते हैं JPG फॉर्मेट है। तो सिंपल से आपको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे हमारा डाउनलोड ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद हमें जो है सिंपल सा होम पे चलते हैं। होम पे जाने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, वहाँ पर जो है लाइव जो है अपलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने होम स्क्रीन पे। तो मेरा ये रहा फेसबुक का ऐप, तो मैं जो है इसे ओपन करता हूँ यहाँ से। तो फेसबुक का ऐप यहाँ पर ओपन हो चुका है। उसके बाद जो है हमें सिंपल सा यहाँ पर 3 लाइंस पे आ जाना है इस साइड, और जो है हमारे प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये रहा अपना प्रोफाइल, तो यहाँ पर मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर देखिए मेरा बैकग्राउंड में 2D फोटो लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसे रिमूव करके वो 3D वाला लगाता हूँ। सिंपल से हम कवर पे क्लिक करेंगे, कवर के फोटो के आइकन पे जो क्लिक करने के बाद हम जो है अपने गैलरी पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये वाला फ़ोटो सेव किया हुआ है, तो मैं जो है ये वाला फ़ोटो, ठीक है, अभी मैंने डाउनलोड किया था, तो इसे मैं जो है यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने इस तरीके से आएगा और नीचे जो है आपको अपलोड के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिखाएगा नीचे, ठीक है। जैसे ही सक्सेसफुल अपलोड होता है, अब सेव मारने के बाद जो ऐसे ही सक्सेसफुल अपलोड होता है तो ये जो है 3D पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें थोड़ा सा वेट करना है, अभी अपलोडिंग का प्रोसेस जारी है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होता है आपको किस तरीके से 3D ये दिखाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है अपना 3D प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है अपलोडिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं अपने मोबाइल को थोड़ा सा टील करता हूँ,
ठीक है, टिल्ड जैसे करता हूँ तो इस तरीके से मूव कर रहा है, जैसे अपना जायरो होता है पबजी पे, ठीक है। जैसे जायरो मूव करने पर मोबाइल को थोड़ा सा टिल्ड करने पर यहाँ वहाँ मूव करने लगता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो आप भी जो है अपना यहाँ पर लगा सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप जो है अपना भी कोई भी पिक्चर को यहाँ पर इसी प्रकार से लगा सकते हैं। तो दोस्तों था ना ये बहुत ही कूल ट्रिक। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।